बुधवार को दोपहर में टीम इंडिया को लेकर आईसीसी की तरफ से एक खुशी वाली खबर आई और पूरे देश में जश्न मनने लगा। लेकिन शाम शाम तक आईसीसी ने उसमें सुधार किया और भारत की खुशी के रंग में भंग डाल दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बाई स्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। बुधवार को आईसीसी ने टेस्ट रैंकिंग की घोषणा की थी दोपहर में, और जो सोशल मीडिया पर चीजें आई थी उसके अनुसार भारत टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 पर पहुंच गया था। भारत के 115 रेटिंग अंक थे, जबकि ऑस्ट्रेलिया के 111 रेटिंग अंक थे। इंग्लैंड तीसरे स्थान पर था। पूरे देश में जश्न मना, और इसलिए मना क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ था कि एक ही समय में भारतीय क्रिकेट टीम तीनों ही फॉर्मेट में आईसीसी रैंकिंग में टॉप पर पहुंची थी। खुशी बन ही रही थी, जश्न मन ही रहा था कि शाम में आईसीसी ने एक बार उस लिस्ट को फिर से अपडेट किया, और उस अपडेट में एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 की टीम बन गई टेस्ट मैचों में। तो ये गलती थी आईसीसी की ओर से, और आईसीसी ने गलत सूची जो है वो जारी कर दी थी दोपहर में, और उसने पॉइंट्स का इधर उधर कुछ कर दिया था पोस्ट करते वक्त। इस वजह से भारतीय टीम नंबर 1 पर पहुंच गई थी। लेकिन जो स्थिति है वो ये है कि ऑस्ट्रेलिया टेस्ट रैंकिंग में अभी भी नंबर 1 पर है और उसके 126 अंक हैं, जबकि भारत जो है दूसरी पोजीशन पर है, उसके 115 अंक हैं। तीसरी पोजीशन पर अभी भी इंग्लैंड बना हुआ है। तो आईसीसी की तरफ से बड़ी चूक, और दिलचस्प ये कि दोपहर में उसने सूचना दी कि भारत टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 है, और कुछ एक घंटे के बाद ही शाम में अपडेट किया कि ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 है। अब समझिए, जब इस तरह की गलती होती है और इतने बड़े स्तर पर होती है, तो आप क्या अपेक्षा करते हैं? आप ये अपेक्षा करते हैं कि वो संस्था अपनी तरफ से कोई आधिकारिक बयान जरूर देगी कि उससे गलती हुई है, लेकिन आईसीसी की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आया। आया तो क्या आया, बस एक अपडेट, एक सूची आई दोपहर में। वो सूची कह रही थी कि भारतीय टीम नंबर 1 है, शाम में वो सूची कह रही है कि नहीं, ऑस्ट्रेलिया की टीम ही नंबर 1 है, और ऑस्ट्रेलिया की टीम अभी भी टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 पर है। और आपको यह भी बता दूं कि आईसीसी से ऐसी गलती पहली बार नहीं हुई है। 18 जनवरी को जब आईसीसी ने रैंकिंग्स जारी की थी, उस वक्त भी इस तरह की गलती वो कर चुका है। अब समझिए कि एक महीने के अंदर दोबारा वैसी गलती आईसीसी जैसी बड़ी संस्था करती है, तो लोगों के बीच उसकी विश्वसनीयता पर, उसके आंकड़ों पर, उसके सोशल मीडिया पोस्ट पर सवाल तो उठेंगे। और यही वजह है कि ऑस्ट्रेलिया को फिर से नंबर 1 बनाने के बाद जब लोगों को पता चला कि ये तो आईसीसी की भूल है, तो अब सोशल मीडिया पे आईसीसी को ट्रोल भी किया जा रहा है। वैसे वनडे इंटरनेशनल की रैंकिंग में भारत अभी भी नंबर 1 है, T20 इंटरनेशनल में भारत अभी भी नंबर 1 है। T20 रैंकिंग में सूर्य कुमार यादव दुनिया के नंबर 1 बैटर बने हुए हैं आईसीसी रैंकिंग में, जबकि टेस्ट मैचों में ऑलराउंडर्स की सूची में रविंद्र जडेजा टॉप पर हैं, और वनडे इंटरनेशनल में बॉलिंग में पहली रैंकिंग पर मोहम्मद सिराज हैं। तो आपके लिए सूचना यह कि टेस्ट रैंकिंग में अभी भी ऑस्ट्रेलिया की टीम नंबर 1 है, भारत दूसरे स्थान पर है। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुल उसको ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान।